रही है और उसके एक्सप्रेशन मैं आप लोगों को ना अभी दिखा नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है वरना टैन हो जाएगा फेस पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं गुजरात में हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गुजरात में कितनी ज़्यादा गर्मी रहती है। मैं तो जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कांट एक्सप्रेस स्पीचलेस। मेरा ना एक्चुअल में यहाँ पे आने का क्या रीज़न था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, एक्सटर्नल वाइवास थे, कंप्लीट हो गया, होपफुली अच्छा हुआ। अभी हम लोगों ने सोचा है कि बाहर चलते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड है, वो भी जम्मू से ही है, आप लोगों को दिख जाएगी वीडियो में, आसपास भटक रही होगी आत्मा की तरह। वीडियो की बात कर लेते हैं, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर एक्सप्लोर करने, कोई अच्छी सी लोकेशन देखने, मिलती है तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, अदरवाइज ये मिनी व्लॉग बन जाएगा हमारा। होपफुली मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम अच्छे से वीडियो शूट करूँ, फुल व्लॉग बना सकूँ, पूरी ट्राई है मेरी, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी गुजराती कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई करके। मेरी जो व्लॉग है वो वही शूट कर रही है मेरी फ्रेंड और मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि जैसे वो देख रही है और उसके एक्सप्रेशन। चलो हंसी मजाक साइड पे रख लेते हैं, निकलते फटाफट लोकेशन के लिए, लोकेशन पे आपसे मिलती हूं। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं और आज हम लोग आए हैं टेंपल, और ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना वो आप लोग खुद देख लेना, पीसफुल तो है ही। अभी हम लोग जो है टेंपल की ओर जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ इस टेंपल की, तो ये गुजरात में पड़ता है। लोकेशन जो भी है इस टेंपल के रिलेटेड और आसपास की, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। वैसे तो जम्मू से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 2000 अप्रॉक्सीमेट इतना ही है। अभी चलो टेंपल की ओर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है टेंपल। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और आप लोगों को भी ना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वीडियो जो है वो वर्टिकली शूट किया, मैं हॉरिजेंटली शूट करना ही भूल गई, सो या प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, अदरवाइज़ ये लोकेशन बहुत अच्छी, आप खुद देख लो। अभी मैं टेंपल की ओर जा रही हूँ, अंदर एंटर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है और कितना ज़्यादा अच्छा है ना, एकदम वाइट वाइट। मतलब जम्मू में भी ऐसे टेम्पल्स हैं लेकिन बहुत कम है। कोई ना, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं। इस टेंपल के लेफ्ट साइड पे ही हैं श्री रामचंद्र जी बजरंगबली के साथ, आप लोग देख सकते हो। और फिर यहाँ का नज़ारा इतना पीसफुल है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, वाव, जस्ट वाव। और यहाँ पर थोड़ी ही आगे आप लोगों को शिव पार्वती गणेश जी के साथ दिखाई देंगे और फिर नंदी भी दिखाई देंगे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी मैं आप लोगों को एकदम पूरा बैकग्राउंड दिखा रही हूँ। ये रहे नंदी बाबा और अंदर जो है शिवलिंग है और बहुत ज़्यादा प्यारी शिवलिंग है, आप लोग खुद देख लो। मैंने दर्शन कर लिए हैं, आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और विशेज़ मांग ली होगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो पार्ट रिपीट में दिखाया है। अभी मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो वो मिस मत कर देना आप लोग। ये जो आप पेज देख रहे हो ना, इसी के रिलेटेड है वो चीज़। चीज़ कोई नहीं है, बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बहुत ज़्यादा पुराने जो ट्रीज़ होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सामने। ये जो आंटी है कैसे पूजा कर रही हैं पेड़ की,
चलो निकलते हैं यहाँ से। हम लोगों ने तो अच्छे से पूजा दर्शन वगैरह सब कर लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं ना आप लोगों को अपना थोबड़ा नहीं दिखा सकती, मैंने पूरा कवर किया हुआ है, एकदम डाकू लग रही हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की टेररिस्ट ISI वाले मुझे पकड़ना लगी वीडियो देखने के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। यार सामने देखो ये आंटी कैसे चल रही हैं बेचारी, इतनी धूप में वो भी, हम लोग भी जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो लास्ट टाइम बाय बाय कर दो टेम्पल को। टेम्पल की चमक दमक देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और अब हम लोग कुछ खाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो या मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं आई हूँ छास वाला, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो चलो एक लेट लस्सी पी लेते हैं और फटाफट से निकलते हैं। सबसे पहले चेयर्स, ये नहीं भूलने का। और अब हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में, क्योंकि गुजरात में आए हो तो रिक्शा का मज़ा लेना बनता ही है। और रिक्शा में ही ट्रैवल करते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हो मेरी हालत क्या हो गई है, और मेरी फ्रेंड, हम दोनों चंपू बन गए हैं। और बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा सूरज है ना, जो वो मेरे को ऐसा लग रहा है अंगार बरसा रहा है, वो भी लावा होता है ना गरम गरम, वो ऐसा लग रहा है फेस पे, वो लग रहा है। तो या अभी हम लोग खाने आ गए हैं, यहाँ की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, खाना खा लेते हैं। अभी खाना वाना खा के हम लोग आ गए हैं मस्त, और माज़ा पीने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हॉस्टल तक नहीं पहुँच पाऊँगी, बेहोश हो जाऊँगी, चक्कर आ जाएंगे मुझे तो ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ साथ आप लोग मेरी थोड़ा देख सकते हो, मेरी शक्ल देख सकते हो, मैंने अभी भी फेस पूरा कवर किया है क्योंकि इतनी ज़्यादा लू चल रही ना गरम गरम, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो एक आपके लिए मैसेज है मेरी तरफ से, अगर आप लोग समर्स में कहीं ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो ऐसी स्टेट्स में मत आओ। विंटर्स में आओगे तो आपके लिए मच मच बेटर है। समर्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना माउंटेन वाला एरिया वो एक्सप्लोर करो। वापस आ गई हूँ, आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और अभी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। पर लग रहा है आप लोगों को मैं फ्रेश लग रही हूँ, देखा यार। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और आप लोगों को सजेस्ट करूँगी समर सीजन्स में ना गुजरात जैसी जगहें, मुंबई ऐसी जगहों पर मत ही जाए, ज़्यादा बेटर है। हो सके तो पहाड़ वाले एरिया में चले जाए, जहाँ पे मैं रहती हूँ खुद जम्मू में, वहाँ पर भी गर्मी रहती है, लेकिन आप लोग कश्मीर जा सकते हो, हिमाचल जा सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। इतनी जम्मू में भी नहीं मैंने कभी गर्मी ना सहन की है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कब घर जाऊँ, और रिजर्वेशन भी नहीं हो रही है मेरी। लास्टली आप लोगों को यही बोलूँगी, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इतनी गर्मी में बाहर गई और आपके लिए तवा बन के वापस आई हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, काफ़ी ज़्यादा मैसी है क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो मैं आप लोगों को हॉस्टल का एक टूर दूँ, तो कमेंट करके वो भी ज़रूर बताना। बाय बाय, लव यू, केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।